किसान जो पूरे देश के लिए अन्न उपजाता है, वहीं अब किसान के लिए भी अच्छे दिन आने वाले हैं। देश का किसान भी अब खेती में ड्रोन तकनीकी का उपयोग कर सकेगा और इसके लिए सरकार भी पूरी कोशिश कर रही। बेगूसराय में ड्रोन तकनीकी का उपयोग करने के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां पर किसानों को खेती में ड्रोन तकनीकी का उपयोग करने सहित नैनो यूरिया के बारे में जानकारी दी गई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश का अन्नदाता किसान सालों से पुरानी पद्धति पर खेती करते आ रहा है। हर चुनाव में किसानों के हित में हर राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन हर बार चुनाव खत्म होने के बाद परिणाम जस का तस ही रहता है। वादे तो सालों से हो रहे हैं, लेकिन देश के किसानों की हालत में सुधार नहीं हो रहा है। लेकिन जब से केंद्र की मोदी सरकार सत्ता में आई है, किसानों के हित में कई कदम उठाए गए हैं। पंचायत में ड्रोन का डेमोंस्ट्रेशन सरकारी विभाग की तरफ से किया गया। सारे किसान खुश हैं कि इससे हम लोग को बहुत फायदा मिलेगा। भारत में सालों से पुरानी पद्धति पर खेती की जा रही है, लेकिन अब धीरे धीरे ही सही खेती करने के तरीके में बदलाव आ रहा है। खेती में भी अब नई तकनीक के इस्तेमाल होने लगे हैं, जिससे खेती करने में सहूलियत हो रही है। साथ में खेती करने की लागत भी कम आ रही है, और ये तो तय है कि अगर खेती करने में लागत कम होगी तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी। जो किसान पहले खेत में जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी फसल से कुछ खास नहीं बचा पा रहे थे, वहीं तकनीक का इस्तेमाल होने से वही किसान की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। उसे मान लिया जाए कि फहारा भी बढ़िया नहीं बनता, इससे हम तो देखे हैं कि अच्छा मैंने फसल को मैंने मिलता है। केमिकल जो भी हम डालते हैं नैनो यूरिया, किसानों को इससे फायदा जी जरूर मिलेगा। बेगूसराय में किसानों के लिए ड्रोन तकनीक की प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां प्रखंड तकनीकी प्रबंधक संजीव कुमार ने बताया कि ड्रोन कृषि कार्य में नई तकनीक है, जिससे सभी प्रकार के तरल खाद कीटनाशक का छिड़काव किया जा सकता है। इससे किसानों का समय और पैसा दोनों ही बचेगा। वहीं प्रदर्शनी के दौरान मौजूद पैक्स अध्यक्ष मनोज यादव ने बताया, ड्रोन का इस्तेमाल खास तौर पर नैनो यूरिया में अहम रोल अदा करता है। इस प्रदर्शनी में ड्रोन की कंपनी से आए हुए एडवाइजर किसानों को ड्रोन के इस्तेमाल से होने वाले फायदे के बारे में जानकारी दी। वहीं प्रदर्शनी में ड्रोन से खेतों में नैनो यूरिया खाद का छिड़काव कर दिखाया गया। किसान को नैनो यूरिया से एक बोरा यूरिया के बराबर नैनो यूरिया का पावर है, और वो जो है नैनो यूरिया कहीं कहीं छिड़काव विधि से ज़्यादा बेहतर है कि स्प्रे द्वारा अगर हम करते हैं तो उसमें वो ज़्यादा फसल पर उपयोगी होगा और ज़मीन मेरा उर्वर रहेगा और काफ़ी दिनों तक ये जो है सो जमीन से हम सही ढंग से उसका उपज ले पाएंगे और बीमारी से भी लोग बचे। आत्मा और कृषि विभाग सातपुर पंचायत में ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया स्प्रे का खेतों में प्रदर्शनी किया गया, जहां किसानों को ड्रोन तकनीक का उपयोग और उसके फायदे के बारे में बताया गया। ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल से किसानों को जहां खेती करने में आसानी होगी, वहीं ड्रोन तकनीकी से किसान कम समय में खेती के काम को निपटा सकेंगे। परंपरागत खेती से जहां खेतों में कीटनाशक का छिड़काव करने में घंटों लगता था, ड्रोन की मदद से कीटनाशक छिड़काव में टाइम की बचत होगी। वहीं अब खेती के लिए परंपरागत यूरिया की जगह नैनो यूरिया आ चुका है। इससे खेती में जहां किसानों को कम मेहनत करनी पड़ेगी, वहीं नैनो यूरिया के इस्तेमाल से खेती करने में लागत भी कम आएगी। इसमें जो है किसानों को जो है दिखाया जा रहा है कि नैनो यूरिया का छिड़काव आप ड्रोन के माध्यम से कैसे करेंगे और आपके फसल को अच्छा रखेगा। जो आप दानेदार यूरिया का छिड़काव करते हैं उससे जो है आपका नुकसान होता है और भूमि का भी नुकसान होता है, और आपकी जो है अधिक समय भी लगता है, इसमें उपज भी बढ़ेगा नैनो यूरिया के छिड़काव। कृषि क्षेत्र में तकनीक का इस्तेमाल होने से जहां खेती करना आसान होगा, वहीं तकनीक के इस्तेमाल होने से कृषि के क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जो युवा पीढ़ी का आज खेती से मोह भंग हो रहा है, बेहतर तकनीक के इस्तेमाल होने से युवा पीढ़ी भी खेती की ओर आ सकती है, जिसके लिए सरकार भी कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कई योजना चला रही है, ताकि आने वाले दिनों में देश के किसानों के हालात में सुधार हो सके।
बेगूसराय से जीवेश तरुण की रिपोर्ट, न्यूज़ 8 बिहार झारखंड।